राजधानी रांची में भाकपा माले केंद्रीय कमेटी की 3 दिवसीय बैठक शुरू हुई। बैठक में संगठन की मजबूती और भावी कार्यक्रमों पर चर्चा की जा रही है। बैठक के प्रथम सत्र के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही है और इसके प्रभाव से भारत में भी महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस दिशा में जनता को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। ये जो महंगाई है, ये एक तरह से लोगों के खिलाफ एक सरकार का युद्ध है और हमने इस केंद्रीय कमेटी में इस पर चर्चा शुरू की है और खासकर पेट्रोल डीजल रसोई गैस की कीमतों में जो जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, इसको सरकार इसको वापस कराए। इसके लिए हम पूरे एक सप्ताह का पूरे देश में आंदोलन का कार्यक्रम लेंगे। दीपांकर भट्टाचार्य ने रूस यूक्रेन युद्ध में भारत सरकार के हस्तक्षेप की जरूरत बताई। इस युद्ध को तत्काल बंद कराने के लिए डिप्लोमेटिक पहलकदमी लिए, अभी तक हमने कोई पहलकदमी देखी नहीं। और यूएनओ में जब जब इस पर वोटिंग हुई, भारत ने अब्सटेन किया। यूक्रेन में जो विदेशी छात्र पढ़ते हैं, उनमें सबसे बड़ी तादाद भारत के छात्रों की है। बावजूद इसके उनको बचाने की भी, उनको सकुशल तत्काल घर ले आने की भी कोई खास कोशिश नहीं हुई थी और इसके चलते एक हमारे छात्र की वहां जान भी गई। इसलिए भारत सरकार की भूमिका इस पूरे यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर वो देश के लिए निराशाजनक रही है। वहीं पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में बगोदर विधायक विनोद सिंह ने कहा कि नीतियों के अभाव में झारखंड में बेरोजगारी की समस्या से युवा जूझ रहे हैं। केंद्र के द्वारा खास करके नीति जब से और ये लागू जोर शोर से किया जा रहा है, जिसमें मोनेटाइजेशन पाइपलाइन तो तमाम केंद्रीय रेल हो, बैंक हो, तमाम तो खत्म हो गए और इससे स्थितियों में राज्यों से सबसे ज्यादा उम्मीद रह रही है लोगों की। और झारखंड में भी देखें तो स्थिति कम से कम रोजगार के मोर्चे पे तो इससे कोई अलग नहीं है, बल्कि 2 सालों से सारी चीजें तो यहाँ नियम और प्रक्रिया झारखंड में तो एक कदम आगे ही कि नियमों के अभाव में सारी नियुक्तियां ठप है। नियुक्तियां का ठप क्या, बल्कि जिसके लिए लोग रोजगार के तलाश कर रहे थे, लोग इंटरव्यू की तलाश में थे और वही परीक्षाएं रद्द हो गई। और पिछला सत्र अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा यही सवाल जो है कुरेदता रहा, सड़क के अंदर, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी सवाल हुआ। न्यूज विंग के लिए रांची से रफी समय की रिपोर्ट।